अपने हालात और जिंदगी से हारे हुए दो इंसान मौत को चकमा देके एक रोड ट्रिप पे निकल पड़ते हैं और बस इसी बारे में है आज की मूवी गैल्वेस्टन। आपको इस मूवी की जर्नी और रास्तों से प्यार हो जाएगा, पर ये भी हो सकता है कि मूवी की एंडिंग आपका दिल तोड़ के रख दे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1988 में, जहां एक आदमी न्यू ऑर्लियंस के एक डॉक्टर के क्लिनिक में बैठा है। डॉक्टर उसे उसका एक्सरे दिखा के बता रहा होता है कि उसे लंग कैंसर है, पर वो उसकी बात सुने बिना ही उस क्लिनिक से बाहर निकल जाता है। इस आदमी का नाम है रॉय, जो बाहर अपनी कार में आके एक सिगरेट जलाता है और बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने काम पे चल पड़ता है। रॉय एक हिटमैन होता है जो बेहद खतरनाक गैंगस्टर स्टैन के लिए काम करता है। स्टैन रॉय से उसकी खांसी के बारे में पूछता है तो रॉय बात टाल देता है। रॉय की एक्स गर्लफ्रेंड कारमेन रिसेंटली रॉय को छोड़ के पैसों के लिए स्टैन की मिस्ट्रेस बन गई होती है, पर रॉय ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे कुछ फील नहीं हुआ। स्टैन रॉय को उसके फ्रेंड एंजेलो के साथ रात को एक लॉयर के घर जाके उसे डराने के लिए बोलता है। रॉय रात को एंजेलो को लेके उस लॉयर के घर जाता है, पर वहां पे तीन हिटमैन पहले ही उन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं। वो एंजेलो को गोली मार देते हैं, पर रॉय इजिली मरना कबूल नहीं करता और उनसे लड़के दो आदमियों को मार डालता है। थर्ड और लास्ट हिटमैन को मारने के बाद रॉय देखता है कि वहां एक लड़की चेयर से बंधी हुई है। वो लड़की बेहद डरी हुई होती है और रॉय उसे खोल के अपने साथ चलने को कहता है और वहां पड़ी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की फाइल भी उठा लेता है। रॉय उसे अपने घर ले जाता है, जहां वो अपना बैग पैक करता है और कार की नंबर प्लेट बदलता है, जिसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। उस लड़की का नाम रॉकी होता है, जो रॉय को बताती है कि वो एक एस्कॉर्ट सर्विस के थ्रू यहां आई थी, पर उन आदमियों ने उसके कस्टमर को मार डाला और रॉय को मारने के बाद वो उसे भी मारने वाले थे। रॉय बताता है कि ये सब उसके बॉस स्टैन ने प्लान किया था, क्योंकि रॉय अब उसके काम का नहीं रहा और वो अपनी मिस्ट्रेस की वजह से रॉय को हेट करने लगा है। रॉय कहता है कि स्टैन के आदमी जरूर उनके पीछे आएंगे, इसीलिए उन्हें यहां से कहीं दूर जाना पड़ेगा। रास्ते में वो एक बार में रुक के ड्रिंक करते हैं, जहां रॉय उसे बताता है कि वो अपने होम टाउन टेक्सास के गैल्वेस्टन जा रहा है, और रॉकी बताती है कि वो भी टेक्सास के ऑरेंज शहर की रहने वाली है। बार के बाहर कार में रॉकी रॉय के साथ सेक्स करने का ट्राई करती है, जिस पे रॉय उसे धक्का मार देता है और कहता है कि मैं किसी सेक्सुअल फेवर्स के लिए तेरी हेल्प नहीं कर रहा हूं। वो रात को एक मोटेल में रूम लेते हैं, जहां रॉय सोफे पे सोता है और रॉकी बेड पे टीवी देखती रहती है। अर्ली मॉर्निंग जब वो वहां से चेकआउट करने वाले होते हैं, तभी रॉय को बेहद तेज खांसी आती है और उसमें ब्लड भी आता है। रॉकी बेहद डर जाती है और रॉय को पानी देती है। रॉय कहता है कि वो ठीक है और अपनी कार बेच के एक दूसरी कार परचेस करता है। वो दोनों टेक्सास की तरफ चल पड़ते हैं। रॉय रॉकी से कहता है कि वो चाहे तो वो उसे ऑरेंज शहर ड्रॉप कर सकता है, पर रॉकी कहती है कि उस शहर से उसकी बेहद खराब मेमोरी जुड़ी हैं, इसलिए वो कभी वहां वापस नहीं जाना चाहती। इस रोड ट्रिप का रास्ता बेहद सुंदर और सूदिंग होता है। न रॉकी रॉय से उसके पास के बारे में कुछ पूछती है, ना ही रॉय रॉकी से कोई सवाल करता है। कई रातों को जब उन्हें कोई होटल नहीं मिलता तो वो दोनों कार में ही सोते हैं, पर रॉय एक बार भी रॉकी को अनकंफर्टेबल नहीं होने देता। और इतने सालों में पहली बार रॉकी को एक ऐसा आदमी मिलता है जो उसे प्रोस्टिट्यूट नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान मानता है। जब वो लोग टेक्सास में एंटर करते हैं तो रॉकी उसे थोड़ी देर के लिए ऑरेंज काउंटी में चलने के लिए कहती है, पर रॉय कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा होम टाउन अच्छा नहीं है, जिस पे रॉकी कहती है कि उसे यहाँ से कुछ पैसे लेने हैं और वो कुछ मिनटों में ही आ जाएगी। रॉय उसके बताए हुए घर के आगे आ जाता है और रॉकी उस घर के अंदर जाती है। रॉय एक सिगरेट जला के उसका वेट करने लगता है, जब उसे एक 3-3.5 साल की छोटी बच्ची नजर आती है। तभी
रॉय को उस घर के अंदर से गोली चलने की आवाज आती है और कुछ ही देर में रॉकी भागती हुई उस बच्ची को गोद में उठा के कार में वापस आ जाती है। रॉय तुरंत वहां से गाड़ी भगा के मेन हाईवे पे आ जाता है और रॉकी से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और उसने किस पे गोली चलाई है। रॉकी उसे बताती है कि इस बच्ची का नाम टिफनी है और ये उसकी छोटी बहन है। वो कहती है कि उसने बस अपने फादर को डराने के लिए दीवार पर गोली चलाई थी और उनका फादर एक शराबी है, इसीलिए वो अपनी बहन को उस घर में नहीं छोड़ सकती। वो तीनों अब टेक्सास स्टेट से कहीं दूर निकल जाते हैं और रॉकी और नन्ही टिफनी इस रोड ट्रिप में बेहद सेफ फील करते हैं और लंबे और खूबसूरत रास्ते को बेहद एंजॉय करते हैं। वो बीच के पास एक एमरेल्ड शोर्स नाम के मोटेल में रुकते हैं जहां की ओनर नैन्सी बेहद अच्छी लेडी होती है। रॉकी और रॉय अब फ्रेंड्स बन जाते हैं। रॉय उसे अपनी कंडीशन के बारे में नहीं बताता पर रॉकी उसे अपने बारे में सब बताती है कि वो 19 साल की है और ऑलमोस्ट 15 साल की उम्र से ही अपने घर से दूर रह रही है और अपना पेट पालने के लिए एज अ प्रोस्टिट्यूट काम करती है। रॉय कहता है कि अब उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। टिफनी ने कभी बीच नहीं देखा होता इसलिए वो दोनों उसे बीच लेके जाते हैं जहां टिफनी बेहद एंजॉय करती है। उसी मोटेल में रह रहा एक लड़का रॉय से दोस्ती बढ़ा के उसे एक ड्रग स्टोर में चोरी करने के लिए पार्टनरशिप ऑफर करता है पर रॉय कहता है कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है और उस लड़के को मना कर देता है। रॉय उस मोटेल से ड्रिंक करके एक रात को अपने डॉक्टर को कॉल करके पूछता है कि उसके पास कितना टाइम बचा है पर वो डॉक्टर कुछ क्लियरली नहीं बताता। अगली मॉर्निंग जब रॉय एक डाइनर में लंच कर रहा होता है तो वो एक न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ता है कि टेक्सास के ऑरेंज काउंटी में अपने फादर का मर्डर करके एक 19 साल की लड़की अपनी 3 साल की बहन के साथ फरार है। रॉय समझ जाता है कि रॉकी एक मर्डर सस्पेक्ट है और वो स्टैन के आदमियों के साथ साथ पुलिस को अपने पीछे नहीं पड़ने देना चाहता, इसलिए वो उस न्यूज़पेपर को डस्टबिन में डाल के अपना सामान पैक करता है और उस मोटेल से चला जाता है। रॉय के चले जाने के बाद रॉकी को फिर से ना चाहते हुए भी प्रोस्टिट्यूशन कंटिन्यू करना पड़ता है क्योंकि उसके पास मोटेल का किराया देने के भी पैसे नहीं होते। रॉय अपने होम टाउन में जाके अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलता है और उसे बता देता है कि वो मर रहा है पर वो रॉय को वहां से चले जाने को कहती है। रॉय एक रात के लिए प्रोस्टिट्यूट भी हायर करता है पर अकेलापन और रॉकी और टिफनी की मेमोरीज उसे खाए जा रही होती हैं। रॉय को समझ आ जाता है कि जैसे वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है वैसे ही टिफनी और रॉकी का भी कोई नहीं है, इसलिए वो वापस चला आता है और होटल की ओनर नैन्सी बताती है कि रॉकी सारा दिन टिफनी को मेरे पास छोड़ के बाहर रहती है। रॉय रॉकी के आने पे उससे लड़ता है कि क्यों उसने फिर से एज अ कॉल गर्ल काम करना शुरू कर दिया और उसने अपने फादर के मर्डर के बारे में भी झूठ बोला। रॉकी कहती है कि हम दोनों ही मर्डरर्स हैं और रोते हुए रॉय को बताती है कि टिफनी उसकी छोटी बहन नहीं बल्कि उसकी बेटी है। दरअसल उसका फादर उसे चाइल्डहुड में अब्यूज करता था और 15 साल की उम्र में टिफनी के पैदा होने के बाद वो वहां से भाग गई। रॉकी कहती है कि वो शायद टिफनी के साथ भी ऐसा ही कुछ गलत कर देता इसलिए वो उसे लेके भागी है। उनके मोटेल में रह रहा वो लड़का रॉय को बताता है कि मुझे पता है कि रॉकी एक कॉल गर्ल है और मैंने तेरे यहां से जाने के बाद वो डस्टबिन वाला न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया था। वो लड़का रॉय को ब्लैकमेल करके कहता है कि अगर रॉय उसकी ड्रग स्टोर की चोरी में हेल्प करेगा तो वो यहाँ की पुलिस को रॉकी के बारे में कुछ नहीं बताएगा और रॉय मान जाता है। रॉय उस लड़के के साथ चोरी करने एक एली में जाता है जो काफी सुनसान होती है और रॉय मौका देख के उस लड़के की गर्दन तोड़ देता है और उसकी डेड बॉडी कहीं दूर फेंक देता है। रॉय के पास पैसे खत्म हो रहे होते हैं और वो शहर से दूर एक फोन बूथ से अपने पुराने बॉस स्टैन को फोन करके $70,000
अपने अकाउंट में जमा कराने को बोलता है और उसे बताता है कि रॉय के पास उसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और अकाउंट्स की फाइल है जो वो पुलिस को दे सकता है और स्टैन तुरंत मान जाता है। रॉय और रॉकी अब टिफिनी को रोज बीच पे ले जाते हैं और उन दोनों के साथ रॉय अपनी लाइफ के सबसे अच्छे मोमेंट्स जीता है। रॉय मोटेल की ओनर नैन्सी और उसके स्टाफ को टिफिनी को संभालने के लिए थैंक यू कहता है और कहता है कि अगर उसे कभी कुछ हो गया तो प्लीज इन दोनों का ध्यान रखना। रॉय रॉकी से बेहद फ्रेंडली हो जाता है और एक दिन लंच पे उसे कहता है कि वो उसे डेट पे ले जाना चाहता है, जिसे सुन के रॉकी बेहद खुश होती है। शाम को वो दोनों रेडी होके एक लेक पे जाते हैं जहाँ रॉय रॉकी से कहता है कि वो कुछ पैसे अरेंज कर रहा है और अब तुम्हें अपना हाई स्कूल कंप्लीट करना चाहिए ताकि तुम कोई अच्छी जॉब कर पाओ और टिफिनी को एक बेटर फ्यूचर दे पाओ। रात को वो दोनों एक बेहद सुंदर बीच साइड रेस्टोरेंट जाते हैं जहां रॉकी ड्रिंक करके डांस करने लगती है और रॉय कई दिनों में पहली बार स्माइल करता है और रॉकी को डांस में ज्वाइन करता है। उस रात दोनों अपने गंदे पास को पीछे छोड़ के एक सुंदर प्रेजेंट जीते हैं। दोनों जब खुशी खुशी अपने मोटल में वापस जा रहे होते हैं तभी एक हट्टा कट्टा आदमी उनका रास्ता रोक लेता है। रॉय अपनी गन निकाल ही रहा होता है कि दो और आदमी पीछे से आके उसे पकड़ लेते हैं और रॉकी चिल्लाने लगती है, पर एक आदमी उसे जबरदस्ती वैन में डाल के वहां से ले जाता है और बाकी सब रॉय को पीटने लगते हैं। रॉय कई दिनों तक मार खा के अधमरा हो जाता है जब स्टैन उससे मिलने आता है और कहता है कि अगर रॉय ने उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए कॉल ना भी किया होता तब भी वो उस तक पहुंच ही गए थे, क्योंकि रॉय ने एक रात नशे में जिस डॉक्टर को कॉल किया था वो स्टैन का फैमिली डॉक्टर था और उन्होंने उस मोटेल की लोकेशन ट्रेस कर ली थी। स्टैन बताता है कि वो कॉल गर्ल बेहद स्ट्रांग थी और उसने स्टैन के आदमियों से एक बढ़िया जंग लड़ी है। रॉय बेहोश हो जाता है पर थोड़ी देर में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कार्मेन वहां आती है और रॉय के हाथ खोल के उसे वहां से भागने को कहती है क्योंकि स्टैन के आदमी अब उसे मारने ही वाले हैं। रॉय घायल हालत में ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता और वो पास ही के एक रूम में कुछ ऐसा देखता है जिससे उसका दिल बैठ जाता है। वहां बिना कपड़ों के रॉकी की लाश एक टेबल पे पड़ी होती है। उसकी बॉडी के निशान बता रहे होते हैं कि मरने से पहले उसका गैंग रेप हुआ है और उसकी आंखें अभी भी खुली होती हैं। रॉय रोते हुए खिड़की का एक कर्टन निकाल के रॉकी की डेड बॉडी को ढकता है। वो रॉकी को एक आखिरी बार देख के वहां से भागने का रास्ता ढूंढने लगता है। रॉय बाहर आके देखता है कि वो एक लॉन्ड्री में है और वो बेहद मुश्किल से लोगों से छुपते हुए घायल हालत में वहां से निकलता है। बाहर स्टैन का एक आदमी कार में बैठा होता है। रॉय उसके गले में ब्लेड घुसा देता है और उसकी कार लेके भाग जाता है, पर उसी रोड पे रॉय का एक्सीडेंट हो जाता है। रॉय को जब होश आता है तब वो हॉस्पिटल में होता है जहां उसके जख्मों का इलाज होता है और वहां के डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसे लंग कैंसर नहीं बल्कि लंग में माइनर इन्फेक्शन है जिसे मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है। अपने पुराने वारंट्स की वजह से रॉय को हॉस्पिटल से जेल भेज दिया जाता है जहां स्टैन का एक लॉयर आके रॉय को कहता है कि अगर वो स्टैन या उसके गैंग का नाम कोर्ट में ना ले तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो टिफिनी नाम की एक 3.5 साल की बच्ची को जानते हैं जो एक मोटेल ओनर के साथ रहती है। रॉय टिफिनी को सेफ रखने के लिए अपना मुंह बंद रख के चुपचाप जेल में 20 साल की सजा काटता है। कहानी अब 20 साल आगे 2008 में आ जाती है जहां हम देखते हैं कि रॉय अब बेहद बूढ़ा हो चुका है और गैल्सन टेक्सास में ग्रोसरीज खरीद रहा है जहां एक लेवल 4 का हरिकेन आने वाला है। सारे शहर के लोग या तो भाग रहे हैं या अपने घरों को फोर्टिफाई करके बेसमेंट्स में जा रहे हैं। तभी रॉय के डोर पे एक नॉक होती है और एक लड़की वहां आती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि 24 साल की टिफिनी है। वो
रॉय को एक फोटो दिखाती है और रॉय उसे पहचान के शॉक हो जाता है। टिफनी बताती है कि वो रॉय को कई सालों से ढूंढ रही है और वो जानना चाहती है कि उसकी बहन कहाँ है और उसे छोड़ के क्यों भाग गई। रॉय उसे वहां से जाने को कहता है पर टिफनी रोने लगती है। रॉय उसे कहता है कि अगर वो उसे सच बताएगा तो उसे अभी यहां से जाना होगा क्योंकि तूफान बस आने ही वाला है। रॉय वो फोटो देख के कहता है कि वो लड़की जिसे तुम ढूंढ रही हो वो अब इस दुनिया में नहीं है और वो तुम्हारी बहन नहीं बल्कि तुम्हारी माँ थी। वो बताता है कि रॉकी ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा बल्कि उसने तुम्हें रेस्क्यू किया था और मैं हमेशा तुम्हें सेफ रखना चाहता था। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि रॉय सायरन बजते हुए शहर में तूफान के बीच में रॉकी को याद करता हुआ बीच की तरफ चल पड़ता है। आई जस्ट होप कि रॉय को रॉकी जरूर मिल गई हो। इस स्टोरी से अगर सीरियस हो गए हो तो मन हल्का करने के लिए लेफ्ट या राइट वाली मूवी पर क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स एंड एक्शन।